गुरु जी से मैंने दीक्षा ली हुई है परम पूज्य महामंडेश्वर श्री प्रखर जी महाराज से। तो जो हमें गुरु मंत्र देते हैं वो, तो क्या उसका जप करने के लिए हमेशा ऐसे सुखासन में बैठ के ही जप करना जरूरी है, या हम कैसे भी जप कर सकते हैं? रिश्ते या कई बार लंबे समय तक नहीं बैठ। देखिए सुमन गर्ग जी बठिंडा से आप हैं, आप पूछ रही हैं कि गुरु जी के द्वारा मिला हुआ जो मंत्र है क्या उसके लिए जप के लिए आसन पर बैठना, माला हाथ में लेना जरूरी है, गिनना जरूरी है एक एक मंत्र के बाद, कि कभी भी काम करते रहो नाम जपते रहो? कभी भी हम किसी भी अवस्था में अपना काम कर रहे हैं और नाम जप रहे हैं, यही आपका प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमारा ये कहना है कि जो जप है वो हमारा नित्य कर्म है। किसी भी मंत्र की शक्ति को जागृत करने के लिए उस मंत्र का अनुष्ठान करना पड़ता है। तो गुरु जी बताते हैं कि ये मंत्र मैं तुमको दे रहा हूँ, ये मंत्र का अमुक अमुक महात्म्य है, उसकी ये विधि है, और इसको जागृत रखने के लिए रोज़, जैसे अपने आप को जागृत रखने के लिए रोज़ नहाना खाना पड़ता है। अगर दो चार दिन ना नहाएं, दो चार दिन ना खाएं, तो आप जागृत रह पाओगे? आंखें खुलेंगे ही नहीं, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरह से अपने मंत्र को भी जगाए रखना पड़ता है। जगाए रखने के लिए बताई गई संख्या के अनुसार गुरु जी ने जो नियम कर दिया कि इतना रोज़ जपना, तो उतना रोज़ जपना पड़ेगा। वो जो जपना है वो चूँकि उसमें संख्या है, गुरु जी ने कह दिया एक माला करना, पाँच माला करना, 25 माला करना, जो आपकी शक्ति भक्ति के अनुसार और उनकी अपनी समझ के अनुसार वो बताते हैं आपका कल्याण जिसमें हो सके। तो चूंकि उसमें संख्या है तो संख्या का की पूर्ति करने के लिए गिनना पड़ेगा। अब इनको हम कहें कि इनको 500 रुपया दे दो, तो हमारा जो मुनीम होगा वो तीन बार गिनेगा, क्योंकि उसको हिसाब भी रखना पड़ता है, और फिर इनके हाथ में पकड़ाएगा और इनसे वाउचर भराएगा। और अगर हम कह दें कि भाई देखो इनको कुछ सहयोग होना चाहिए, तो फिर वो देखेगा, फिर इनसे बात करेगा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, फिर अपने स्वयं से अपने अधिकारियों से बात करके निर्णय कर लेगा कि इनको इतना देना चाहिए, बाद में हमको बता देगा कि हमने दे दिया था। तो जहाँ संख्या की बात आ जाएगी वहाँ गिनती जरूरी है, और गिनती करने के लिए ऐसे तो गिना नहीं जा सकता, क्योंकि मंत्र है, माला है, तो उसके लिए स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, शुद्ध आसन पर बैठना पड़ेगा, पूर्वांग प्रक्रिया है और जो बाद की प्रक्रिया है उसको भी पूरा करना पड़ेगा, और फिर माला में जप करना पड़ेगा। माला ऐसे खुले जपी नहीं जा सकती, गोमुखी में रखना पड़ेगा या वस्त्र में छिपाना पड़ेगा, और हर उंगली से फिराया नहीं जा सकता, वो सब फिर उसमें बारीकी आ जाएगी। ठीक है, तो जितनी गुरु जी ने आपके संख्या बता दी है उस संख्या का जप बैठ करके होगा, ठीक है, और बाकी दिन भर आपके मन में माला चलती रहे उसमें कोई बाधा नहीं है, वो अच्छा है। ठीक है, गुरुदेव जो पूछा था प्रश्न पंडित जी ने रात्रि में विवाह के बारे में, शायद उनके मन में शंका यह है कि वेद मंत्र रात्रि उच्चारण नहीं किया सकते, और इसीलिए उन्होंने प्रश्न, अब उन्होंने वैसा कहा नहीं, तो जितना समझ में आया कहा गया, अगर वो ऐसा पूछेंगे तो हम लोग बताएंगे। वेद मंत्र रात्रि उच्चारण हो सकते हैं क्या? देखिए वेद मंत्र का उच्चारण रात्रि में सामान्य रूप से नहीं होता है, और अग्नि का प्रज्वलन भी रात्रि में सामान्य रूप से नहीं होता है, विशेष परिस्थिति की बात है। इसीलिए हमने कहा ना, एक परिस्थिति थी अपने यहाँ कि जब हमको ये करना पड़ा, अब तो ऐसी परिस्थिति नहीं। तो अग्नि कार्य जितने भी होते हैं वो सब रात्रि को विराम दे दिए जाते हैं, दिन में होते हैं, और अग्नि के साथ ही वेद मंत्र जुड़ा हुआ है, अग्नि मेढ़े। हाँ, हो सकता है, हो सकता है, आप अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अपने लोगों ने जितना समझा उतना बताया गया है, दोबारा प्रश्न आएगा और बता देंगे।